अच्छा नहीं ये डेंजरस है, अभी दो ओवर डेंजरस है, पहले ही ओवर बैठा था रोहित वर्सेस नसीम। ये बंदा डेंजरस है, ये बंदा बहुत डेंजरस है, ये बंदा डेंजरस है। शाहीन से अब मुझे वो नहीं है, बट ये नसीम बहुत थोड़ी है भाई इन कंडीशन में, क्योंकि थोड़ी ओवर पास कंडीशन है। लेकिन ठीक है, नसीम की सबसे बड़ी बात ही यही है कि बॉल अंदर भी बहुत ज्यादा लेके आ सकता है। देख मूवमेंट देख कितनी हुई, बहुत ज्यादा भाई विकेट नंबर से वहीं पर रोहित क्या बचे वो। और जब आप ऐसे बचते हो ना, तब आपके माइंड के अंदर ना डाउट्स क्रिएट होते हैं। अब रोहित हो सकता है काउंटर करने के लिए डाउन द ट्रैक आपके मार आएंगे, वो निकलेंगे, क्योंकि देखा ना कि स्विंग इतनी ज्यादा हो गई, वो भी लेट स्विंग, लेट स्विंग बहुत ज्यादा। ये ओवर बचने हैं भाई इनके, पहले दो तीन ओवर शॉट। ये रिजवान इतनी चीज है ना, ऐसे बॉल उछालते से ऐसी लगता है आउट, रिजवान तो ड्रामा करता है। लेकिन अगर तो नसीम की बॉल देखेंगे ना, पिछली बॉल इतनी अंदर आई है, ये वाली इतनी बार बार है। इस बॉल मैंने बार बार बोला है, नसीम शाह विल अगर ये अपनी बॉडी ठीक रखे, स्वस्थ रहे, इंजर ना हो, ये दुनिया में सबसे बड़ा बॉलर बनेगा भाई। यार पहली बॉल इतनी अंदर, दूसरी बॉल इतनी बार बार इस बॉल मैंने बार बार बोला है, नसीम शाह विल भी अगर ये अपनी बॉडी ठीक रखे, स्वस्थ रहे, इंजर ना हो, ये दुनिया का सबसे बड़ा बॉलर बनेगा लड़का। भाई यार पहली बॉल इतनी अंदर, दूसरी बॉल इतनी बार, कितने बॉलर करा लेते हैं दुनिया में, बहुत ही कम बॉलर मिलेंगे जो अंदर भी इतनी बाहर देखना विद द पेस। इसके ओवर में भाई रोहित अटैक कर दे भाई, नहीं तो लाइन लेंथ की सेट मत हो रही, सेट तो रखता ओवर में 31 शाहीन शाह। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इसको ध्यान से खेलना ही पड़ेगा, दो एक अंदर एक बाहर, फिर सीधे शर्मा को। अब चौथी में बैटर को पता ना हो क्या आने वाला है, शॉट बॉल ही इज ब्रिलियंट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, नसीम शाह इज ब्रिलियंट। और इसको विकेट भी इसलिए नहीं मिलती, बस ये सारी काम मेहनत करता है, दूसरा बॉलर दूसरा विकेट। बट अगर रोहित डाउन द ट्रैक आ गया, इसको दो शॉट मार देना लाइन लेंथ, ये भी भूल जाएगा, हर बॉलर भूल जाता है भाई, समझ नहीं आती फिर। इंडिया पाकिस्तान मैच हो रहा है, एक एक ओवर में दो दो तीन तीन चौके पड़ जाए, शाहीन से देखो क्या लग रहा है, कितनी बॉलिंग होगी शाहीन के, तो पड़ गए ना फिर शॉट जिसके भी पड़ जाए। नसीम अभी नसीम को टैकल करना पड़ेगा, मार रोहित, वेल लेफ्ट, रोहित ने भी आराम से निकालना है, ये होता है एक्सपीरियंस।